टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा ट्विस्ट से। नागिन 2 में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब रॉकी की जान बचाने के लिए शेषा और शिवांगी मिलकर करेंगी तांडव। वहीं शक्ति में हरमन सौम्या का दिखेगा स्पेशल मून डांस। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब नायरा की पार्टी में गेट क्रैश करके पहुंच जाता है कार्तिक। बेहद में अर्जुन माया की शादी में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब अर्जुन की माँ आकर रुकवा देगी दोनों की शादी, तो देर किस बात की। शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल बिन कुछ कहे के कबीर और मायरा, जिन्होंने जूम के साथ जयपुर में उठाया शॉपिंग का लुत्फ। हमारे साथ अब शॉपिंग करने आ गए हैं आप लोग, क्या कुछ देखना पसंद करेंगे सबसे पहले? वी हैव कम टू अ बैंगल शॉप एंड आई हैव नेवर सीन सो मेनी वैरायटीज इन अंडर वन रूफ। Jaipur is known for their Jaipuri bangles and different sorts of bangles, so I'm looking forward to this. आप तैयार हैं मतलब चूड़ियाँ इनको पहनाने के? नहीं, मैं पहले कुछ बॉयज़ के लिए देखना चाहूँगा, चूड़ियाँ पहना के मैं थक गया हूँ। नहीं नहीं, डेफिनेटली आज क्षमता डे मना रहे हैं हम, तो अभी मैंने बैंगल्स पहनाए थे क्षमता को। हम फिर से कुछ नए डिजाइन्स में जयपुरी स्टाइल में कुछ ट्राई करते हैं। जूम के साथ एक्सक्लूसिव ज्वेलरी शॉपिंग करते हुए मायरा यानी टीवी स्टार क्षमता अंचन ने किया रिवील कि उन्हें किस तरह की चूड़ियां पसंद हैं। मुझे ये पसंद आई है, दिस इज वेरी प्रिटी, बहुत ट्रेडिशनल भी है, इट्स फ्लेवर ऑफ राजस्थान, तो मुझे ये सबसे पसंद आया। वेल, जूम के साथ एक्सक्लूसिव शॉपिंग करते हुए दोनों ने की ढेर सारी मस्ती भी। No, I already bought no, वहाँ से bangles भी है। वो production के पास है। इतना psychedelic, colorful, you know, I'm very attracted to it. मेरा बस चले तो मैं सब कुछ purchase कर लूँ, लेकिन इसके लिए पूरा time निकाल के आना पड़ेगा मुझे यहाँ। So, yeah. बहाने। Well, we hope कबीर और मायरा की shopping देखकर आप हो गए होंगे fully recharged. सीरियल नागिन 2 में शिवांगी और शेषा दोनों साथ में कर रही हैं तांडव। दरअसल रॉकी की तबीयत खराब है और उसको ठीक करने के लिए महिषासुर का पेड़ से बाहर आना बहुत जरूरी है, इसलिए शेषा और शिवांगी दोनों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रही हैं तांडव। अब भोलेनाथ ही महिषासुर को पेड़ से बाहर निकालने में शिवांगी की मदद करेंगे। ये बात हम दोनों जानते हैं एंड मैंने कहा शिवांगी को, अगर हम दोनों को रॉकी की जान बचानी है सो हम दोनों को साथ में मिलके यू नो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट टुगेदर, सो एंड देन शी अग्रीज एंड इसलिए हम यहाँ आते हैं, भैंसे को ढूंढ रहे हैं एंड देन द पंडित टेल्स अस कि आपको तांडव करना पड़ेगा, सो हम दोनों मिलके फिर तांडव करते हैं। सीरियल शक्ति में सुरभि कर रही है घर का सारा काम और वो हरमन के कमरे के सारे पर्दे को उतार कर उन्हें धोने जाती है, तभी वहाँ हरमन आकर उसे कहता है कि जब उस घर में तुम्हारा एक तिहाई का हिस्सा है तो फिर तुम अकेले क्यों कर रही हो सारा काम। इस पर सुरभि देती है हरमन को जवाब कि क्या अब वो पर्दे के तीन हिस्से करे। इस पर हरमन सुरभि को धीरे से बोलता है कि दरवाजे पर सौम्या है, उसे सुनाने के लिए वो उसे डांट रहा है ताकि घर वालों को लगे कि हरमन और सुरभि के बीच है सब कुछ ठीक ठाक। आज का बोनस धमाका निया शर्मा का सिजलिंग वीडियो। एक तरफ जहां सीरियल शक्ति में हरमन सुरभि को जानबूझकर डांटता है, वहीं दूसरी तरफ वो पहुंचता है सौम्या के कमरे में और फिर कर देता है लाइट्स ऑफ, जिसे देख सौम्या उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन हरमन कर देता है जाने से इनकार, ये कहकर कि आज वो चांद की रोशनी में करेगा सौम्या संग डांस, जहां कोई म्यूजिक नहीं होगा, सिर्फ सौम्या और हरमन के दिल की धड़कनें सुनाई देंगी, वो भी चांद की रोशनी में, और जिसके बाद हरमन और सौम्या का देखा मून वाला रोमांटिक डांस।
वहीं एक तरफ चांद की रोशनी में हरमन और सौम्या ने किया मून वाला रोमांटिक डांस, वहीं दूसरी तरफ जब हरमन सौम्या को छोड़ कमरे से चला जाता है तब सौम्या बोलती है कि अगर उसका बस चले तो वो हरमन का हाथ पकड़कर कभी जाने ना दे, लेकिन वो मजबूर है बंदिशों में, जिसके बाद सौम्या हो जाती है इमोशनल। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रही है नायरा की हैंड पार्टी, जहां घर की सभी लड़कियां कर रही हैं डांस और कर रही हैं बहुत मस्ती। पर और ज्यादा मजा तब आता है जब पार्टी को गेट क्रैश करते हैं कार्तिक और लक्ष्य यानी बॉयज गैंग, और फिर वो भी करते हैं अतरंगी डांस। मैं बोलूंगी कि कार्तिक ने लड़कियों को कंपटीशन दे दिया, बट सारे लड़कों ने इन लोगों ने इतना अच्छा किया, स्पेशली कार्तिक का कमर मत करो, ओह गॉड, हम लोग सच में मतलब इनके लिए रूट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हम लोग इतना एंजॉय हमने इस पूरे सीक्वेंस में अभी तक नहीं किया। मुझे पहली बार मेरा बचपन याद आ गया, बचपन में मेरी बड़ी बहन थी, वो हमसे ऐसे गंदे नाच नचवाती थी, लड़कियों वाले गाने लगा के हमसे नचवाती थी, और आई थिंक आई समवे आई रिमेंबर दैट, बहुत मुझे आई एम मिसिंग हर टुनाइट अ लॉट, आई टॉक टू हर इन अ व्हाइल, एंड मुझे उनकी याद आ गई अभी, क्योंकि हम लड़कियों की तरह डांस करते थे बहुत छोटे थे, और समवेयर हमने वही इस बार किया। लेटर ऑन द शो भाभी जी घर पर है के जबरदस्त 500 एपिसोड्स हुए पूरे। सीरियल ये रिश्ता के कार्तिक और नायरा ने आज लिया है हवाईयन लुक। नायरा की हैंड पार्टी का थीम हवाईयन था, इसीलिए दोनों ने पहने हैं हवाईयन कपड़े। चलिए जानते हैं क्या कहना है इनका इस खास लुक के बारे में। जो कि मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है, इससे पहले जो था वो एकदम फ्लावरी प्रिंटेड और सब कुछ, फ्लावरी स्कर्ट टॉप एंड अ टियारा, और वो था, अभी ये थोड़ा सिंपल सा है प्लेन, पूरा हवाई पहन के पूरा हवाई पहन के आए हैं कार्तिक, जिसमें कार्तिक बहुत अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली, आप नॉर्मल शर्ट से ज्यादा अच्छे इस लुक में लग रहे हैं, तो आई थिंक आपको ऐसे ही रहना चाहिए। सीरियल उड़ान में सूरज को गांव वाले कुएं में फेंक देते हैं, ये तो हम आपको बता चुके हैं, अब देख लीजिए कि चकोर ने कैसे सूरज को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश की। चकोर अपने सूरज को बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है, और इसमें गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं करते हैं, क्योंकि कमल नारायण ने उनको भड़काया हुआ है। कुएं में कूदी थी मैं सूरज को बचाने, पता नहीं क्या सोच के कूदी चकोर, पर आप मेरा हाल देख सकते हैं, मैं बहुत ही गंदी अवस्था में हूँ इस वक्त। सीरियल बेहद में माया बन गई है दुल्हन। जी हाँ, आज हो रही है अर्जुन और माया की शादी। माया मरून गोल्डन लहंगा में सज धज कर मंडप में आती है अर्जुन की दुल्हनिया बनकर। चलिए जानते हैं जेनिफर से कि कितना खास है उनका ये दुल्हन वाला लुक। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट, बट I'd like to keep things as minimal as possible. और मेरी लाख कोशिशों के बाद मुझे I don't think I'm as decked up as a normal bride should be, because I can't wear all that. मुझसे I can't. I feel very I'm not a big jewelry fan. तो so मेरे लिए ये simple and little is less is good for me. सीरियल बेहद में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, और ये ड्रामा लेकर आई हैं अर्जुन की माँ। जी हाँ, अर्जुन की माँ शादी के मंडप में आती हैं और बोलती हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, और मंडप से अपने बेटे अर्जुन को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अब देखना ये है कि अर्जुन माया की शादी हो पाती है या नहीं। बेहद की शादी में होता है, ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है, बिकॉज बेहद इज नॉट अ नॉर्मल शो, बिकॉज माया इज नॉट नॉर्मल, अर्जुन इज द ओनली सेन कैरेक्टर हु इज गोइंग टू लूज हिज सैनिटी वेरी सून, सो या अर्जुन और माया की शादी है, और ऑब्वियसली बहुत ही अनकन्वेंशनल और ट्विस्ट वाली शादी है ये, सो जस्ट कीप वॉचिंग, दैट्स ऑल आई कैन से। अर्जुन और माया की शादी में ड्रामा चल ही रहा था कि वहां सांझ पहुंच गई। उसने कसम खाई थी कि वो शादी में नहीं आएगी, लेकिन अर्जुन पर मुसीबत आई तो वो शादी में आ गई अपने दोस्त को मुसीबत से बचाने। सांझ तभी पहुंचती है जब उसको अपने अर्जुन को बचाना होता है,
तो इस बार भी अपने डफर को बचाने के लिए वो पहुंच गई है. दैट डजंट मीन दैट उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जस्ट दैट हर फ्रेंडशिप फॉर अर्जुन एंड लव फॉर अर्जुन इज सो स्ट्रांग कि शी डजंट वॉन्ट कि कुछ भी गलत हो उसकी फैमिली के साथ या उसके उसके खुद के साथ. सो दैट इज वाई सांजू इज बैक अगैन. सीरियल बेहद के अर्जुन यानी कि टीवी स्टार कुशाल टंडन आज बने हैं दूल्हे राजा. चलिए कुशाल से जानते हैं कितना खास है उनका ये दूल्हे वाला लुक. ये मैंने डिसाइड किया, सो ऑफ कोर्स मुझे पसंद आएगा. दिस इज नॉट अ रेगुलर शेरवानी, इट्स अ लॉन्ग केप विद द चिकन वर्क फ्रॉम अमाडो इंडिया एंड रेड सलवार एंड अ कुर्ता. सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां है सिमर परेशान अपनी बेटी अंजलि के लिए क्योंकि उसकी बेटी अंजलि है घर से बाहर पैसों को लेकर. वहीं विक्रम की ताई सिमर को समझा रही है कि आप परेशान नहीं हो, अंजलि आ जाएगी. वेल एक तरफ विक्रम की ताई है सिमर को समझा रही, वहीं दूसरी तरफ फाइनली विक्रम की ताई का धीरे धीरे दिख रहा है असली रंग जब वो सिमर के साथ चल रही है चाल. मैं अंजलि को इतनी नापसंद करती हूँ ये तो पता ही है सबको, और ये शर्त अभी तक चल रही है वही सेब वाली. अब सेब खराब होने वाले हैं पर अभी तक हुए नहीं है, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ कि कहीं वो सिमर जी अपनी शर्त जीत ना जाए. तो बस मैं उसे फंसा रही हूँ यहाँ से वहाँ, मतलब जैसे टॉम एंड जेरी होता है ना, तो यही वाला सीक्वेंस चल रहा है. तो फिर देखो ऐसे उसको वापस टिट फॉर टैट तो करना ही पड़ेगा ना. सीरियल भाभी जी ने पूरे कर लिए हैं 500 एपिसोड्स और इस खास मौके को और भी सुरीला बनाने के लिए सेट पर पहुंचे थे वॉइस इंडिया के टॉप 12 कंटेस्टेंट्स, जहां सेट पर पूरी यूनिट और स्टार कास्ट ने मिलकर काटा केक और एक दूसरे को केक खिलाकर फैंस को कहा शुक्रिया. 500 एपिसोड हुए हैं, हजारों एपिसोड्स तक हमारा साथ दें, हमें सहयोग करें. सही पकड़े हैं. मैं तो यही कहूंगी किसी पार्टी से ज़्यादा बेहतर ये है जब हम इतने सुरीले लोगों के बीच हमारा 500 एपिसोड को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, रियली गाइस लव यू ऑल एंड आप लोग सुपर्ब हो, रियली ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सीरियल भाभी जी घर पर हैं के सेट पर पहुंचे द वॉइस इंडिया के सभी कंटेस्टेंट्स और उन्होंने गाना गाकर माहौल को बनाया सुरीला. वहीं दूसरी तरफ अनीता भाभी और अंगूरी भाभी ने दी ढेर सारी बधाई और कहा गुड लक उनके शो के लिए. सेट पर हमारी कॉलोनी में जो जो गाने गाए जाते हैं और जो जो सुर लगते हैं, आज पहली बार इस सेट को कुछ ढंग के सुर सुनने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ हम लोग सभी अपने अपने शौक पूरे करते हैं. और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं टीवी की दुनिया में भाभी जी को इंट्रोड्यूस करने वाले शो के राइटर मनोज संतोषी से, जिन्होंने जूम पर किया रिवील कि कहां से आया भाभी जी का आइडिया. मैं भी काफी समय सोच रहा था कि सास बहू पे बहुत सारे सीरियल बन रहे हैं तो भाभियों भी बनना चाहिए. तो आप तो जानते हैं कि जो पड़ोसी की बीवियाँ होती हैं वो हर किसी को, चाहे वो इस बात से इनकार करें कि नहीं नहीं भाई ये गलत बात है, लेकिन वो अंदर से कुछ ना कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ज़रूर है, तो वो हर किसी के मन में होता है. तो हमने उसी चीज़ को काफ़ी समय से हम पका रहे थे. और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ तब जब बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और हुमा कुरेशी पहुंचे रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी के सेट पर. और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल चंद्र नंदिनी में नंदिनी यानी टीवी स्टार श्वेता बासु की डबल रोल वाली न्यूज के साथ. जी हाँ, सीरियल में श्वेता नजर आएंगी अपने डबल अवतार में, जहां वो रूपा के किरदार में नंदिनी की हमशक्ल बनकर शो में नंदिनी से बदला लेती हुई दिखाई देंगी. और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल थपकी में आए ट्विस्ट के साथ. जी हाँ, शो में आ गया है बिहान और थपकी का सुहाग रात वाला ट्विस्ट, जिसकी एक झलक टेली टॉप अप लेकर आया है खास आपके लिए. कमिंग अप ऑन द शो, बेहद के अर्जुन की स्पेशल बैचलर पार्टी, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप
और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल दिल से दिल तक के सेट पर और दिखाते हैं पार्थ और शौर्वरी का डांस, जिसकी खास झलक टेली टॉप अप लेकर आया है खास आपके लिए। सीरियल संयुक्त में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब रीटा अपने पति निरंजन के धोखे का सच जान गई है और उसे तलाक देना चाहती है। वहीं अपनी बहू की परेशानी को उसकी सास ईला नहीं देख पा रही हैं। इस वजह से ईला अपनी बहू रीटा को अपने बिजनेस पर ध्यान देने को कहती है और इसके लिए सास ने रीटा को दिया है मॉडर्न लुक, जिसमें बहू रानी रीटा मिनी स्कर्ट में जलवे दिखाती हुई नजर आएंगी। आइए अब आपको दिखाते हैं काबिल की टीम की कपिल के शो पर फुल ऑन मस्ती। टीवी पर के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स अर्जुन बिजलानी अपने हेक्टिक शूटिंग शेड्यूल में से अपने वर्कआउट के लिए निकाल लेते हैं वक्त, और अर्जुन ने अपनी वर्कआउट वीडियो की है अपने फैंस के लिए शेयर। टेक अ लुक। टीवी पर की हॉट एक्ट्रेस सुरभि ज्योति को एक खास शख्स लगने लगा है फनी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके को एक्टर शरद केलकर हैं। सुरभि ने शरद के साथ एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा एक फनी कैप्शन। बहू हमारी रजनीकांत की मैगी यानी टीवी एक्ट्रेस वाबीज के ब्रदर की न्यूज से तो हमने आपको अपडेट किया ही था, अब देखिए वाबीज का ये स्पेशल डांस जो उन्होंने किया अपने ब्रदर की वेडिंग में और शेयर किया अपने फैंस के लिए सोशल हैंडल पर। किश्वर मर्चेंट ने दिखाया एक खास शख्स को अपना टशन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किश्वर ने किसको दिखाया टशन, तो ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके प्यारे हबीब सुयश हैं, जिनके साथ किश्वर यूएस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। भाभी जी घर पर हैं कि अनीता भाभी यानी सौम्या टंडन के अपने शो से छुट्टी लेकर स्विट्जरलैंड में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की न्यूज से तो हमने आपको पहले ही किया था रिचार्ज, और अब देखिए सौम्या की स्विट्जरलैंड में क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हुए ये पिक्चर्स जो उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर किए हैं शेयर। टेक अ लुक। अब देखिए बेहद के अर्जुन की बैचलर पार्टी का नजारा। देखिए कैसे हॉट एंड ब्यूटीफुल इंटरनेशनल गर्ल्स के साथ कर रहे हैं अर्जुन पोल डांस को एंजॉय। कुशाल ने अपने सोशल हैंडल पर किया है ये वीडियो अपने फैंस के लिए शेयर। एशिया थर्ड सेक्सीएस्ट वुमेन का खिताब अपने नाम करने वाली हॉट एंड सेक्सी निया शर्मा के फोटोशूट के वक्त का एक हॉट वीडियो हमने आपको दिखाया था, अब देखिए निया का इसी फोटोशूट से एक और सिजलिंग वीडियो। Minute ka full recharge. Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.